हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या अंतर है और इन दोनों सर्टिफिकेट की ज़रूरत कब पड़ती है। तो फ्रेंड्स, पूरा डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है या आपको तब बनवाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे थे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे थे और आपका ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट हो गया है, आपका रिजल्ट आ चुका है और आप चाह रहे हैं कि आप एमएससी करें या एमए करें या जो है कि एमकॉम करें या जो है एमटेक करें। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे डिग्री सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा लेट आपका डिग्री सर्टिफिकेट देती हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट को देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया रहता है और कहीं पर आपको डिग्री सर्टिफिकेट को जमा करना है तो वहाँ पर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा करके काम चला सकते हैं, जब तक आपका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट बिल्कुल डिग्री सर्टिफिकेट की तरह ही काम करता है, उतनी ही वैल्यू उसकी होती है जितना कि डिग्री सर्टिफिकेट की होती है। लेकिन फ्रेंड, जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है यह सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप डिग्री सर्टिफिकेट जिस भी डेट को इशू कराते हैं उसके बाद सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद फिर आपको डिग्री सर्टिफिकेट को जमा करना पड़ता है या उसकी फोटोकॉपी देनी पड़ती है, या फिर से अगर फिर भी आपका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है तो फिर आपको जो है कि नया प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यही होता है प्रोविजनल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि आप बीए कर रहे हैं, बीएससी या बीकॉम, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और आपने 1 या 2 साल उस ग्रेजुएशन कोर्स को कर लिया है और अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है और आप चाह रहे हैं कि यह यूनिवर्सिटी छोड़ करके हम किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और इसके आगे की पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो है कि यह यूनिवर्सिटी छोड़ करके दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जाते हैं और वहाँ पर वह चाहते हैं कि यह जो हम कोर्स कर रहे हैं यह कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और आपका यह माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसी यूनिवर्सिटी से बनता है जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर जब आप जमा करते हैं तो आप उसके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 11th या 12th में हैं तब भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगर आप अपना स्टेट बोर्ड छोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे और आप चाह रहे हैं कि यूपी बोर्ड छोड़ करके सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन ले लें या आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन लें, तो इस सिचुएशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है अपने बोर्ड से, उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स, यही दोनों में मेन डिफरेंस होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको तभी पड़ती है जब आपको अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करनी हो या जो है कि अपना स्टेट बोर्ड चेंज करना हो, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जैसे मान लीजिए कि आपकी डिग्री नहीं आई है और आपको डिग्री की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कहीं पर डिग्री को लगाना है, तो उस सिचुएशन में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को वहाँ पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही दोनों में मेन डिफरेंस है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।